तो आज क्या हुआ, अब ये हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। कानपुर से सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे और यह हादसा बताया जा रहा है सुबह 5:20 पर हुआ। कानपुर इटावा के बीच रूरा में यह हादसा हुआ है और 6 से लेकर 20 नंबर तक के कोच पटरी से इसमें उतरे और इसमें ज्यादातर जो डिब्बे थे वो स्लीपर थे। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आंकड़े अभी हालांकि और ज्यादा बढ़ सकते हैं घायलों के। हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और सुबह यह हादसा हुआ है जब मुसाफिर सो रहे थे, चलती हुई ट्रेन ट्रैक से उतर गई, 2 बोगियां नहर में गिर गई। हालांकि इसमें गनीमत ये रही नहर में पानी तब बहुत कम था। ट्रेन में सवार लोगों को एक झटका लगा और लोगों ने समझा कि ट्रेन हादसे के शिकार हो गई है। सियालदह से अजमेर जा रहे थे ज्यारत करने। जी, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से आपको लगा? हम लोग सो गए थे B1 में, मेरा 39 बर्थ कोच में था। जी। अचानक 5:15 दुर्घटना हुई, आवाज कस के हुआ जी, इसलिए अचानक हम लोग रुके तो देखे कि सुबह पहुँच के पहुँच डैमेज होने। क्या लग रहा है कि कितने लोग यहाँ पर मरे होंगे और कितने लोग घायल? मरे तो नहीं है, सब डैमेज है। जी, आप किस डिब्बे में थे? सर B1 AC कोच। B1 AC कोच में। तो आपको क्या लगता है इस घटना का कारण क्या रहा होगा? हम तो सो गए थे सर जी।